नमस्कार दोस्तों, उद्योग प्रसार अधिकारी का एग्ज़ाम कल संपन्न हुआ और इवनिंग में हमने उसकी आंसर की से संबंधित दो वीडियो हमने अपलोड किए थे और उसमें से जो आंसर की हमारे द्वारा आपको बताई गई, उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर, लगभग 4 से 5 प्रश्नों के उत्तर हमारे द्वारा गलत बताए गए और कुछ प्रश्नों के उत्तर पर डाउट भी बना हुआ था। तो उन सभी का सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों का आंसर आप इसमें जान सकते हैं और ये बिल्कुल सही आंसर की है। तो आप एक बार इस आंसर की से अपने जो भी आपकी OMR शीट है उसका आप इससे मिलान करें और अपने प्राप्तांक का आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने परसेंट इस एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आंसर की आप जान सकते हैं, आगे पूरा वीडियो को आप वॉच करें और सही सही उत्तर के आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर से। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष में हुई थी। इसका सही आंसर है 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है एशियन विकास बैंक द्वारा, जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1955 में ये लागू हुआ था। राजस्थान में वर्ष 2017 में कुल डाकघरों की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर होगा 10,311। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसमें बी ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है जो कि गलत है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 10,311। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को निम्न से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? डी ऑप्शन सही आंसर होगा, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक ऊर्जा राजस्थान को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-18 में राजस्थान का स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद था, तो ये देख सकते हैं आप, 6,41,940 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत 2016-17 में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया था? इसका आंसर हमने कल वाले वीडियो में हमने आपको नहीं बताया था, तो इसका सही आंसर होगा 261। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी हैं? कल इसका आंसर हमारे द्वारा गलत बताया गया था। कल जो आंसर बताया गया था वो 12 पंचवर्षीय और 1 वार्षिक योजना, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होगा 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं। और कुछ विद्यार्थियों के इस क्वेश्चन से संबंधित भी कमेंट हमें मिले हैं, उनका कहना है कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 3 वार्षिक योजनाएं, जो कि गलत हैं। इसका सही आंसर 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं ही होगा। आप आर्थिक समीक्षा में भी देख सकते हैं। राजस्थान में दिसंबर 2017 में कितने सार्वजनिक निजी साझेदारी द्वारा संचालित परियोजनाएं पूर्ण हो गई थी? इसका भी आंसर हमने कल नहीं बताया था, तो इसका सही आंसर होगा 153, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आगे आप, 2018-19 के राजस्थान के बजट में की गई घोषणा के अनुसार ऊटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट स्थापित किया जाएगा, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर में या जोधपुर में? तो सही उत्तर होगा जयपुर में। राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा HPCL, मतलब ये कथन गलत दिया गया है और इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन। HPCL का हिस्सा 80% तथा राजस्थान का हिस्सा 20%, जबकि HPCL का हिस्सा 74% और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा 26% है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2012 से 17, बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किसे भूमि सुधार का रूप माना जाता है? और कल की आंसर की मैं हमने आपको बताया था कि या तो बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, तो इसका सही जो उत्तर होगा डी ऑप्शन होगा, भूजोतों की सीमा का निर्धारण। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। राजस्थान के वृहद उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है? इसका सही आंसर होगा उद्यमिता का अभाव, सी ऑप्शन उद्यमिता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत गांव के शिक्षित युवा अथवा गैर सरकारी संगठन की सेवाएं गहन पशु
प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाती है। कृष्णा कामधेनु गोपाल कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, सही आंसर होगा गोपाल, सी ऑप्शन। राजस्थान के किस प्रदेश का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है? बाड़मेर, इसका सही आंसर होगा। निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हमने कल आपको डी ऑप्शन बताया था, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें निःशुल्क नागरिक सुविधा दी जाती है, और इसका उपयोग करने वाले अपना ईमेल एड्रेस प्रादेशिक भाषाओं एवं हिंदी में बना सकते हैं, इस सुविधा को कहते हैं। सही आंसर होगा राजमेल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से ये सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यह प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देता है। तो शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों को ये बढ़ावा देता है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। निम्न में से किन शहरों को राजस्थान में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? जयपुर उदयपुर कोटा अजमेर, ये चार जिले आप देख सकते हैं, जयपुर उदयपुर कोटा और अजमेर, सी ऑप्शन सही आंसर। राजस्थान राज्य की भारत के कुल पशुधन में कितने प्रतिशत भागीदारी है? 11.27%, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। निम्न का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। कल इस क्वेश्चन के लिए हमने आपको दो ऑप्शन बताए थे कि इसमें थोड़ा डाउट था मामला, लायलपुर या मीरपुर में से एक आंसर होगा, तो अब हम इसमें कन्फर्म हैं लायलपुर इसका सही उत्तर होगा। मालवा पठार किसका विस्तार है? सी ऑप्शन हाड़ौती पठार। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, इसका भी उत्तर हमने कल आपको नहीं बताया था, सही उत्तर होगा तरबूज की ये किस्म है। राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? 7, 33, 38 या 25? 25 वन्य जीव अभयारण्य हैं राजस्थान में, डी ऑप्शन। निम्नलिखित कार्यक्रम में से कौन सा एक कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ये कार्यक्रम अलग है, ये मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? बी ऑप्शन NH-71B। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.45%, बी ऑप्शन। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? गग्गर, चंबल, बनास, साबरमती, सही आंसर होगा चंबल नदी, बी ऑप्शन। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रदेश में नदियां सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? भरतपुर, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न से राजस्थान के किस शहर से है? जोधपुर। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था? इसका आंसर हमारे द्वारा कल आपको गलत बताया गया था, कल राजनीतिक क्षेत्र इसका आंसर बताया गया था, और इसका सही आंसर जो होगा वो साहित्यिक क्षेत्र होगा, क्योंकि अगर आप अगर गूगल पर भी अगर ये चीज़ देखेंगे कि रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का संबंध किससे है, तो पॉलिटिक्स ही आपको आंसर मिलेगा, उनका इससे भी संबंध रहा है, लेकिन इनको जो पुरस्कार मिला है पद्मश्री वो साहित्य के क्षेत्र में मिला है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया? सही उत्तर होगा नवीन राजस्थान, डी ऑप्शन। दयाल दास श्री ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? बीकानेर, सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जीनु रूसरण की रचना की गई? मीराबाई, बिल्कुल सही आंसर होगा।
हाँ, कल किसी विद्यार्थी ने इसको कमेंट करके बताया था कि ये रचना दादू दयाल जी की है, तो दादू दयाल जी इसका सही आंसर नहीं है, मीराबाई ही सही उत्तर होगा। और इस क्वेश्चन में भी सबसे ज़्यादा डाउट था मामला, क्वेश्चन नंबर 38 आप देख सकते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया था? कमेंट्स के माध्यम से कल ज़्यादातर विद्यार्थियों ने इसका आंसर बताया कालीबंगा, जो कि सही आंसर नहीं है। आहड़ इसका सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन आहड़। इसको आप देख सकते हैं कि बुक्स में भी आप देख सकते हैं, आहड़ इसका सही आंसर होगा। ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान किस स्थान पर हैं? धुले उदयपुर, सही आंसर। 1947 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? उदयभान को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया और जिनका संबंध था धौलपुर से, डी ऑप्शन। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जैसलमेर, ए ऑप्शन। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? दक्षिणी क्षेत्र का। छप्पन का मैदान निम्न में से किस एक नदी से संबंधित है? इजी क्वेश्चन है, माही इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? सही आंसर इसका सिरोही होगा, सी ऑप्शन सिरोही। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्रण के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? बी ऑप्शन श्रीगंगानगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें जो मृदा अपरदन का कारण पूछा है वो राजस्थान को लेकर पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा हिमानी क्रिया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? सुरक्षित वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो कि लगभग 56 से 57% तक ये पाए जाते हैं। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? इस क्वेश्चन के लिए हमने, जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि इस क्वेश्चन शायद डिलीट होगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगर बुक में आप देखते हैं तो 10 जिले आपको मिलेंगे। इसी तरह से राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना की बुक अगर आप देखते हैं तो वहाँ आपको 7 जिले मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शन थोड़े कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने स्तर पर देखें कि इसका आंसर क्या होगा। 12 जिले भी इसका आंसर हो सकता है और 10 जिले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दिए गए हैं, 7 जिले हरिमोहन सक्सेना की बुक में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आप अपने स्तर पर इसकी जांच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैर चोटी की ऊंचाई कितनी है? डी ऑप्शन 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। ईसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है सवाई माधोपुर में। 1819 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? परमार इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में लड़ा गया, डी ऑप्शन 1544। 1883 में निम्न में से किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई? उदयपुर इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। और जो भी इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट जो ऑप्शन इसमें सिलेक्ट किए गए हैं उनको आप सही उत्तर ना माने, जो आंसर आपको बताया जा रहा है उसी को आप सही उत्तर माने, ए ऑप्शन उदयपुर इसका सही उत्तर होगा, ना कि अजमेर। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुण्ड से नहीं हुई? तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इनकी उत्पत्ति अग्निकुण्ड से हुई है, सिसोदिया इसका सही आंसर होगा। गागरों का किला झालावाड़ में स्थित है। चौतारा कमायचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? ये तत्वाद्य यंत्र हैं, इसके बारे में कल भी हमने आपको बताया था, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं था? तो मलसीसर भी उन ठिकानों में से एक था, ढूंढ लोड
ढूंढलोद और मंडावा भी उन स्थानों में से हैं, जिसके साथ ही नवलगढ़ भी पंचपाणे स्थानों में ठिकानों में सम्मिलित हैं। श्री माधोपुर इसका सही आंसर होगा। कल हमने इसका आंसर आपको मंडा बताया था, जो कि गलत है। श्री माधोपुर इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? डी ऑप्शन, स्वामी गोविंद गिरी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सितियन जाति के वंशज माना है? जेम्स टॉड सही आंसर। पंडित नेनू राम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित है? बी ऑप्शन, कोटा सही आंसर होगा। सेब को काटने पर थोड़ी देर बाद वह भूरा हो जाता है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा यौगिक यौगिकों का धर्मपातन किया जा सकता है? इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि आयोडीन, NH4, बी ऑप्शन और नैप्थलीन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान के कितने जिले ODF खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए हैं? 27, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। निम्न में से कौन से कार्य दंडनायक के रूप में कलेक्टर में, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर कॉमन सेंस से भी अगर सॉल्व करें तो इसका तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना। ये काम दंडनायक के रूप में कलेक्टर का नहीं होता है। बाकी अब ये आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन में है इसमें आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, तीनों में तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड, पुलिस पर नियंत्रण रखना, जिले के कोषालयों का निरीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राज्य विधानसभा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, वह नेत्र दोष जिसके कारण दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनता है कहलाता है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन। यदि किसी परिपथ में विभव अंतर स्थिर रखते हुए कुल प्रतिरोध का मान आधा कर दिया जाए, परिपथ में बहने वाली धारा हो जाएगी दुगनी, ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन किण्वन उत्पाद नहीं है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ए ऑप्शन। एक पेटेंट 20 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, सी ऑप्शन 20 ईयर्स। मानव में वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन को सेक्स निर्धारण में लिप्त प्रोटीन को कोड करता है, डी ऑप्शन SRY जीन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत समिति इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। राजस्थान राज्य महिला आयोग है, सांविधिक निकाय है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, सी ऑप्शन। राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कैलाश नाथ वांचू, सी ऑप्शन। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए थे? बी ऑप्शन, इजी क्वेश्चन था, ID दुआ। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ई ऑप्शन, पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, राज्यपाल पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त योग्यताएं क्या है? किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, और थर्ड ऑप्शन है वह राज्य विधानसभा और संसद का सदस्य न हो, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। फर्स्ट और थर्ड इसके दोनों इसमें सही रहेंगे, तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? अर्जुन राम मेघवाल इसका सही आंसर होगा। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? बी मेयर,
यदि तीन संख्याएं 3:2:5 में 5 के अनुपात में हो, उनके वर्गों का योग 1862 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? सी ऑप्शन 14। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 28% प्राप्त किए, 6 अंकों से उत्तीर्ण रहा। इसका सही उत्तर होगा 75। ये एक क्वेश्चन नंबर 83, जो कि रीजनिंग में सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें अगला पद कौन सा होगा और इनके बीच का रिलेशन आप देख सकते हैं। पहले 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 2 का क्यूब है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है, तो इसी तरह से अंत में 4 का क्यूब रहेगा, तो 64 इसका सही आंसर होगा। कंपनी में कौन सबसे अच्छा सेल्समैन है? पहला जो कथन दिया गया है इसमें, गर्मी में राम ने सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर बेचे हैं, इस वर्ष कंपनी ने सबसे ज़्यादा लाभ कमाया है, तो पहला जो कथन है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि सेल्स की बात की गई है प्रश्न में, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग कथन एक ही पर्याप्त है। कथन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 85। सभी लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, इसमें केवल सेकंड पूर्वानुमान निहित है, सी ऑप्शन, जिसमें अन्य कोई खेल खेलना कोई भी पसंद नहीं करता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में करते हैं, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 4 डेज, सी ऑप्शन। 2010 में छोटी से छोटी कौन सी प्राकृत संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित हो? तो 2010 में 4 जोड़ेंगे, तो ये संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित होगी, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। यदि P1 तथा P2 दो विषम अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं, P1 ग्रेटर देन P2, तब P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर क्या होगा? तो कोई भी आप दो अभाज्य संख्या ले सकते हैं, 7 और 5 ले सकते हैं, इसी तरह से और भी आप ले सकते हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे तो घटाने के बाद एक सम संख्या प्राप्त होगी, तो बी ऑप्शन उसमें सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 आप देख सकते हैं, जिसमें गुणनफल में इकाई का अंक पूछा गया है, उसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन 4। 4 अंकों से अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो 7 तथा 11 से पूर्णतः विभाजित हो, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और इसका सही आंसर होगा 9933, डी ऑप्शन। निम्नलिखित सारणी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए, और इसमें से कौन सा विषय सर्वाधिक परिणाम के प्रतिशत को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा रसायन शास्त्र, ए ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 92, प्रश्न में कथन तथा कारण दिए गए हैं। कथन आप देख सकते हैं, ग्रेफाइट विद्युत धारा का एक सुचालक है, और कारण क्या है? ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ए आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही वास्तविक व्याख्या है, बी ऑप्शन। बेमेल छाटिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जिसका सही आंसर होगा जे आर वाला। अगर आप इनको अगर क्रम से जमाते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, जैसे कि सी के अपोजिट एक्स आता है, उसी तरह से जी के अपोजिट में टी आता है, उसी तरह से ई वी, बाकी जे आर एक दोनों अपोजिट नहीं आते हैं, तो ये ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, 2 की घात 31 को 5 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल है, उसका सही आंसर होगा 3, डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए घात में 4 का भाग दिया जाता है, उसके बाद जो शेष रहता है वो संख्या की घात बनाई जाती है। इसमें अगर हम 4 का भाग देते हैं तो 2 का क्यूब रहता है, उसके बाद 2 का अगर हम क्यूब करें तो 8 आता है, और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 रहेगा। इस प्रकार डी ऑप्शन सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 95 में पाई चार्ट दिया गया है, और इसमें ये का प्रतिशत पूछा है कि दोनों में दो ग्रुप दिए गए हैं, किसका प्रतिशत ज़्यादा है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा, 5/5/9%। क्वेश्चन नंबर 96, एक बस कार की अपेक्षा 50% तीव्र हैं,
तब उस दूरी को पूरा करने में बस कितना समय लेगी, जिसे कार को पूरा करने में 1 घंटा 30 मिनट लगता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान से देखें, तो कैलकुलेशन की इस क्वेश्चन में कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कॉमन सेंस लगाते हैं कि बस कार की अपेक्षा उसकी स्पीड तेज़ है 50%, तो बस को कार से कम समय लगेगा। सबसे पहली बात, अगर कार उस दूरी को तय करने में 1 घंटा 30 मिनट का समय लेती है, तो 1 घंटा 30 मिनट से ज़्यादा के ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट होंगे। 1 घंटा 30 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि स्पीड फास्ट है तो कम समय लगेगा। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, 1 घंटा। तो आप ऑप्शन से इसको आसानी से कर सकते हैं। परिमेय संख्या 1/7 का दशमलव रूप है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 12 वर्ष उपरांत उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी होगी, पिता की वर्तमान आयु है। तो इसका सही आंसर होगा 36 ईयर, सी ऑप्शन। दो प्राकृत संख्याओं का योग व गुणनफल क्रमशः 12 व 35 हैं, इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम है। तो ये कुछ विद्या काफ़ी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, क्योंकि इसमें लास्ट की दी गई है उसमें व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ विद्यार्थियों ने इसका आंसर 12/35 किया, जो किया है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा 35/12, सी ऑप्शन। और अंतिम क्वेश्चन, एक घड़ी की घंटे वाली तथा मिनट वाली सुइयों की लंबाइयाँ 4 सेमी 6 सेमी हैं, तो 2 दिनों में नोक द्वारा चली गई दूरी, 3 दिनों में मिनट द्वारा सुई की नोक द्वारा चली दूरी का अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1:27, इसका सही आंसर होगा। और इस आंसर की को मिलाने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके आप सभी ज़रूर बताएं, ताकि हम कट ऑफ का अनुमान लगा सकें। धन्यवाद।